साइज लंबी बन रही है गाइस। पिछले वीडियो में आपको पोटेशियम परमैंगनेट की वीडियो दिखाया था, लेकिन अब की बार आपको मैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये क्या क्या काम आता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो गाइस ये देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये आपको पशुओं के मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगी। और ये मेरी ऑनलाइन मंगाई हुई पोटेशियम है, ये 250 ग्राम के पैकेट में आती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको अगर मंगवाना चाहो तो। तो गाइज इसका पहला काम है कि जैसे पानी का कुंडा होता है या जहाँ भी आप टंकी के अंदर पानी भर के रखते हो, उस पानी में कीड़े मकोड़े कीटाणु वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो इसमें इसकी थोड़ी सी मात्रा डालने पर पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और कीड़े मकोड़े बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और इसका दूसरा काम है जैसे पशुओं के लगने की वजह से घाव हो जाते हैं और उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस पोटेशियम परमैंगनेट को थोड़ी सी घाव के ऊपर डाल दें। डालने के बाद में दोस्तों कुछ ही दिनों में उसका घाव आसानी से भर जाता है। और गाइज पिछले वीडियो में मैंने इसका रिएक्शन आपको दिखाया था कि गिलास में दूध डालकर और उसमें थोड़ी सी पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से झाग उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब की बार कुछ इसका अलग ही रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जैसा ही सेम है लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग तरीका है। तो आपको मैं पहले तो पिछले वीडियो की तरह थोड़ा करके दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इसमें दूध डालता हूँ, ये डिस्पोजल में दूध हो गया और इसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ इसमें और फिर देखते हैं पिछले वीडियो की तरह रिएक्शन करता है या नहीं करता, क्योंकि ये मेडिकल से मंगवाया हुआ है पोटेशियम है। ये देखो दूध का कलर बिल्कुल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वाह क्या बात है, झाग तो अच्छी तरीके से बन गए वही पहले की तरह। और ये देखो गिलास भर चुका है, झाग गिलास से बाहर भी आ रहे हैं। तो गाइस ये उसकी तरह सेम ही था, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा अलग करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में बोतल के अंदर डालकर और रख दिया था तो झाग बड़ी स्पीड से ऊपर गए थे, लेकिन अब की बार इसका ढक्कन बंद करके देखते हैं कि बोतल फटती है या फिर कुछ और रिएक्शन होता है। तो गाइस ढक्कन खोल लिया है बोतल का और मैं इसको हटा लेता हूँ, फटी नहीं रही यार, ये तो पॉलिथीन बड़ी टाइट है। अब सारी पोटेशियम को मैं एक जगह मिक्स कर लेता हूँ, पिछली वाली को और इसको भी। ये इसका ढक्कन बंद हो चुका है और बोतल में धीरे धीरे झाग बढ़ रहे हैं। ये देखो बोतल भर चुकी है यहाँ पे। अरे नीचे से इसकी साइज चेंज हो गई, देखो वाह। बोतल की साइज चेंज हो गई, देखो साइज लंबी बन रही है इसकी। ओ ढक्कन ओ तेरी क्या बात है। Thank you.
कितनी भयंकर विस्फोट हुआ था आपने देखा होगा यहाँ पे। बोतल कहाँ गई? बोतल तो लेके आओ, बोतल बहुत लंबी हो गई। दिखाना बोतल। भाई जी यार यहाँ पे देख सकते हो बोतल बहुत गर्म है, पकड़ी भी नहीं जा रही। और आप बोतल का ये देखो क्या हाल हो चुका है, बिल्कुल आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इतनी भयंकर गर्म है कि हाथ में 1% भी पकड़ी नहीं जा रही है ये। और देखो यहाँ से फटी है यहाँ से, और विस्फोट भी अच्छा हुआ था। क्या बात है यार, इसका साइज तो देखो कितनी लंबी होगी। गाइज यार आप सोच भी नहीं सकते देखो बोतल का क्या हाल हो चुका है। और गाइज इससे हमारे को ये सीख मिलती है कि पोटेशियम परमैंगनेट को दूध से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ इसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। और वैसे पोटेशियम बहुत से कामों में भी काम ली जाती है। और गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और गाइज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।